नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जी के अपन डेली पढ़ते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल से हमने शुरुआत की है उड़ान सीरीज की, है ना। उड़ान सीरीज में हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है। कल आपने क्लास देखी, आपको बड़ा आनंद आया, मैंने कमेंट देखे बिल्कुल, है ना। तो आज भी अपन उसका पार्ट संख्या 2 आज हम पढ़ने वाले। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 40 तो क्वेश्चन आएंगे, प्लस 4 आप एडवांस्ड कर लो। हर क्वेश्चन पे लगभग 150 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आप वन लाइनर में इसको डिस्क्राइब करते हैं तो बिल्कुल परीक्षा पर आधारित। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, वनपाल वन रक्षक और पटवा, अपने क्या कहे, पटवार कह लो, भले ही PTT BST सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब दीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी महल में। दोस्तों खेतड़ी महल कहाँ पे? बोले सर खेतड़ी महल जो है ना, ये अपने झुंझुनू में है। ओके, झुंझुनू में है। दोस्तों देखो, जयपुर के हवा महल जैसी झलक इसमें भी नज़र आती है हमें। जयपुर का हवा महल जो है ना, वो भी एक भूल भुलैया टाइप ही आप कह सकते हैं। अगर आप घुस जाते हैं तो बहुत ही मशक्कत के बाद बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि ये अभी अभी मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं खेतड़ी महलों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बावड़ी दरवाजा, होली दरवाजा और रावण दरवाजा और पिहाला दरवाजा, ये दरवाजे हैं चार, ये कौन से दुर्ग के दरवाजे हैं? तारागढ़ किला जो बूंदी का, तारागढ़ किला अजमेर वाले का, या चौमू के किले का, या माधोराजपुरा के किले का? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चौमू के किले का। चौमू का किला जो है ना प्यारे साथियों, चौमू का किला ये कहाँ पे पड़ता है? सर ये जयपुर में पड़ता है। इसको आप भूमि दुर्ग भी बोलते हैं और स्थल दुर्ग भी बोलते हैं। भूमि दुर्ग कहो या फिर स्थल दुर्ग, एक ही बात है, ये उस श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसको पहले धाराधारगढ़ के नाम से भी जानते थे, चौमुहागढ़ के नाम से भी जानते थे, रघुनाथगढ़ के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उच्च मार्ग किस जिले में है? सबसे ज़्यादा जो उच्च मार्ग है ना, वो कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो जयपुर में नहीं सर, तो बीकानेर भी नहीं होगा, जैसलमेर में भी नहीं होगा। उच्च मार्ग पूछा है आपको तो नागौर में। सर्वाधिक कितने हैं? देखो नागौर में आपके सर्वाधिक उच्च मार्ग है ये है 29। उसके बाद सीकर का नंबर आता है, सीकर में सर्वाधिक उच्च मार्ग है 23। सर्वाधिक नहीं है, दूसरे नंबर पे, पहले पे नागौर है, दूसरे पे ये है, तीसरे पर जयपुर है। और जयपुर में कुल 19 उच्च मार्ग है दोस्तों, तीसरे पर जयपुर है, तो ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक सड़कें कौन से ज़िले में? बोले सर बाड़मेर ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, ये आप लोगों को बताना है। राइट आंसर की उम्मीद सभी भाई बहनों से करूंगा। 9 जनवरी की बात है सर, 9 जनवरी तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन सर सन बताइए तो 2012, 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। बोले सर पहला, देखो पहला अपना रणथंभौर है, दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार है, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। बोले सर मुकुंदरा हिल्स जो है ना, ये कहाँ पे है? तो ये कोटा व चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ व कोटा में स्थित है। और ये बाघ परियोजना भी है, राज्य की दूसरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी बड़ी बाघ परियोजना है, और हालांकि अगर क्रम वाइज देखा जाए तो तीसरी बाघ परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असंगत। देखो हमारी जो सीरीज चल रही है, और इस सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो इन प्रश्नों पर डिपेंड करता है, मतलब इन प्रश्नों पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं अब डेली, ठीक है। तो इनमें से असंगत, साहित्य देर का है, लेखक देर का है, संगीत रत्नाकर किसने लिखा? बोले सर ये तो सारंग देव ने लिखा, सही है। स्वतंत्र भावनी तेज कवि ने लिखा, बिल्कुल सही है। कुछ माँ दियाकर रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने लिखा, ये भी सही है। और गोरा बादल एक कुशल लाभ ने, नहीं गोरा बादल लिखा हेम रतन सूरी ने, हेम रतन सूरी ने लिखा। अच्छा सर, तो ये कुशल लाभ ने फिर क्या लिखा? अच्छा कुशल लाभ में ढोला मारूरी चौपाई लिखा। तो प्यारे साथियों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? शुरुआत में आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आगे आप चलेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा आपको, है ना। तो देखिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले में गुजरती है? तो 30 डिग्री तो अपने श्रीगंगानगर में गुजरती है, ठीक है। और 70 डिग्री
वो है जो अपने जैसलमेर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बांद्रा और इमली ये कौन से दुर्ग की विशाल बुर्जे हैं। वैसे मैंने आपको एक बार क्वेश्चन किया था घूंघट और गुगड़ी ये किस दुर्ग की मतलब विशाल विशाल बुर्जे हैं, तो आपने बताया था सर ये तारागढ़ के किले की विशाल बुर्जे हैं, तारागढ़ की, ठीक है, जिसे हम राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। यहाँ पे नाना जी का जालरा भी मिल जाता है हमें, अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में, ठीक है। तो अजमेर वाला ही है तारागढ़, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बांद्रा, इमली और गुंगड और गुगड़ी ये चारों के चारों विशाल बुर्जे हैं और तारागढ़ किले की है, याद रखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सामोली शिलालेख किस शासक के समय का है। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लिए न्यू है। देखो सामोली, सामोली है कहाँ पे, बोले सर ये सामोली भोमट में है। सर भोमट उदयपुर में ना, हाँ जी भोमट उदयपुर में है, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाता है। अब कब का है, तो 646 ईस्वी का है, ये चीज़ भी आप सभी को पता होगी, ठीक है। और इसमें मेवाड़ का वर्णन मिलता है, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। रतन सिंह सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, बिल्कुल आसान इजी सा क्वेश्चन है आपका। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था, तो राइट आंसर 1994 को किया गया था। और बात करें अप्रैल महीने में, किसकी बात हो रही है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करकोटा किस सभ्यता का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, अब आगे से आपके क्वेश्चन वही मिलने वाले आपको, अब आपको ये बताना है कि करकोटा जो है ना ये किस सभ्यता का प्राचीन नाम है, नाडोल का नहीं है, किराडोत, किराडोत को आप किराडू कहेंगे, ठीक है, अभी जिसको आप किराडू बोलते हैं। इस नाडोल को पहले नड्डुल के नाम से जानते थे, नड्डुल है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नगर। देखो करकोटा नगर को जाना जाता था, नगरी चित्तौड़गढ़ में है और नगर टोंक में है, दोस्तों ध्यान रखना नगर कहाँ पे, नगर टोंक में है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। सर्वप्रथम उत्खनन की बात करी जाए, सर्वप्रथम उत्खनन की, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कृष्णदेव ने सर्वप्रथम इसका उत्खनन करवाया था नगर का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तभी आपके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले अब आपके लिए, ठीक है। निम्न में से असुमेलित, लोक देवी का मंदिर और स्थान, जीण माता का मंदिर सीकर में है, बिल्कुल है साहब। उषा मंदिर भरतपुर में है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। गोकुल चंद जी का मंदिर धौलपुर में है क्या, और गंगा माता का मंदिर भरतपुर में है क्या, जी हाँ गंगा माता का मंदिर भी भरतपुर में है। तो गोकुल चंद जी का मंदिर धौलपुर में नहीं होके ये भी आपके भरतपुर में ही स्थित है, और भरतपुर का कामा जो मंदिर है वहाँ पर स्थित है। ओके सर, ध्यान रखना, हाँ जी तो ध्यान ही तो रखना है। पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत जो है ना वो क्या है, पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत जो है ना, गलत क्या है, देखो राजस्थान का पूर्वी मैदानी जो भाग है इसे वर्षा यहाँ की 50 सेमी से 80 सेमी वार्षिक होती है, बिल्कुल सर होती तो है, चले तो राइट है। जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है क्या, बिल्कुल सर सही है। और मिट्टी यहाँ की जलोढ़ और दोमट मिट्टी, बिल्कुल है साहब। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें यहाँ पर तालाबों से नहीं, बल्कि यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है, किससे, कुओं से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब जो संबंधित गलत है ना वो गलत कथन डी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन है, कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण उदयपुर के जग मंदिर में किसने कराया। कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण उदयपुर के जग मंदिर में किसने कराया, शाहजहां ने, जहांगीर ने, महाराणा जगत सिंह ने, शेरशाह सूरी ने। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, शाहजहां, ठीक है। देखो कपूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ पे, उदयपुर, उदयपुर में कहाँ पे, जग मंदिर में, ठीक है। इतना आपको नॉलेज हो जाता है तो आप करेंगे कि भी शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, सुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो चतरानी, ये सेनानी कविता किस पर लिखी गई, रतन कंवर पर, रानी नातावन जी पर, या चंपा कंवर, या रानी सहल कंवर पर। इतना आसान सा क्वेश्चन है, और लिखा किसने था, मेघराज मुकुल ने लिखा था, कवि थे मेघराज मुकुल, ठीक है। और ये देखो सहल कंवर ये रतन सिंह की पत्नी थी, रतन सिंह एक सेनापति थे, उनको
इन्होंने सैल कंवर ने अपना सिर काट कर भेज दिया था, ठीक है। और रतन सिंह उस समय युद्ध लड़ने जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, चैन राम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, चैन राम अग्रवाल की बावड़ी कहाँ स्थित है, जो 1946 ईस्वी का शिलालेख हमें मिलता है। डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आसान है, प्रतापगढ़ को लॉक करेंगे। और अगर देखा जाए कि ये मिला किसको, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को मिला। और अब ये कहाँ पर है, अब ये अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग इन बातों को। अगला क्वेश्चन आता है, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है, राजस्थान की किस धरोहर के लिए कहा गया। जल्दी बताइए, ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है, राजस्थान की कौन सी धरोहर के लिए ये कहा गया। कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, विजय स्तंभ या चित्तौड़गढ़। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सी ऑप्शन विजय स्तंभ। दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में ऐसा कहा गया है, ये किसने कहा था, बोले सर अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने अगर सही नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि पेन मिस्टेक हो रही है, ठीक है। ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु की यहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिल जाएगी, लेकिन सभी देवी देवताओं की है। मतलब कि इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था 1440 और 48 के मध्य में, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है सर, 120 मीटर इसकी ऊंचाई है, फिट सॉरी, ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जोधपुर में नहीं है, जोधपुर में क्या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। देखो एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, ठीक है, और गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में है, जोधपुर में है गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में, एक मीनार मस्जिद भी जोधपुर में है। तो अकबर की मस्जिद जोधपुर में नहीं है, ये भरतपुर में है भैया, अकबर की मस्जिद, ठीक है। और गुलर कालूदान की मीनार भी जोधपुर में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल अभी अभी। और हाँ, यहाँ पे जोधपुर में गमता गाजी मीनार है, सूरी मस्जिद है, ठीक है ना, बहुत सारे, और मामा भांजा की छतरी भी है। अगला क्वेश्चन आपने देख तो लिया ही है वैसे भी, ठीक है, फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों को कि मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर बना हुआ है। हालांकि अगर बात करी जाए, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था, यो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। और महाराणा कुंभा बिल्कुल, जिन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर है, तो ये मैनाल, बेड़च और बनास के संगम पर है। कहाँ पर है सर, भीलवाड़ा में है, ठीक है साहब, ओके, जितना आप ध्यान रखेंगे बेहतर है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव सुधार हेतु विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिश की गई, इनमें से असंगत क्या है, ये बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और अब आप इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ जी। पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव सुधार हेतु विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिशें की गई, इनमें से असंगत कौन सा है, ये आपको बताना है। और देखिए, एल एम सिंघवी जो समिति है ना, 1986 है, सही है बिल्कुल, गठन इसका हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1960 में हुआ क्या, नहीं सर ये गलत है। के संतानम समिति 1963 में इसका गठन हुआ है, और गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में भी हुआ है, लेकिन अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, न कि 60 में। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और 1959 से लेकर 1969 तक 10 वर्षों के बीच के काल को पंचायती राज के उत्थान का काल कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जालौर दुर्ग का अन्य नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इनमें से कांचनगिरी, सोनलगढ़ और जलालाबाद। देखिए एक और दो होगा, दो एंड तीन होगा, ओनली एक ही होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए यहाँ पे जालौर दुर्ग का अन्य नाम कंचनगिरी भी बोलते हैं, सोनलगढ़ भी बोलते हैं और जलालाबाद भी बोलते हैं, जाबालीपुर भी बोलते हैं, बोलिए मैं बता दूँ आपको, जाबालीपुर भी बोलते हैं इसको, है ना, सुवर्णगिरी भी बोलते हैं, बोलिए सुवर्णगिरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए, डी ऑप्शन, ओके। और मतलब इस किले के बारे में बहुत सारी श्रुतियाँ भी हैं, जैसे हसन निजामी ने कहा था कि ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी खोल भी नहीं सका था, ठीक है। मतलब कि इससे पहले सिवाना दुर्ग को जीत कर आना हुआ करता था, यार पता है ना सबको। इनमें से असंगत आपको बताना है, और राइट आंसर उम्मीद सभी से करेंगे। एक बार फिर से असंगत पूछा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य
मरुद्यान बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोगों ने। दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़ बिल्कुल सही पकड़ा है। सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो सरिस्का बिल्कुल सही है, और दूसरा छोटा अभ्यारण्य तालछापर सरासर गलत है साहब। ये दूसरा छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ है जो कि मात्र 5 किलोमीटर में ही है, ठीक है। और ये सरिस्का अ जो है ना ये मात्र 3 किलोमीटर में ही है, वर्ग किलोमीटर में, सॉरी, है ना। हाँ सर पता है हमें। चलो सज्जनगढ़ 5 और तालछापर ये तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य जो कि 5 है, सॉरी 5 नहीं 7 वर्ग किलोमीटर में, 3, 5, 7 ये सबसे छोटे वाला है। बड़े वाला सबसे जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो 3,162 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा बड़ा जो कुंभलगढ़ है ये लगभग आपके 610 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी साहब, ओके ना। केसरौली दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था ये आप लोगों को बताना है। केसरौली दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। यहाँ पे राइट आंसर देखो, केसरौली दुर्ग पहले तो ये पता होना चाहिए कि है कहाँ पे, तो आपको पता हो जाएगा कि सर ये अलवर में, तो अलवर में है ना, तो ये यादव राज शासकों ने करवाया था। अलवर के पुराने किलों में से ये भी आता है, हेरिटेज होटल है अब इसमें यहाँ पे, तो ठीक है, ओके सर चलिए आगे बढ़ते हैं। पाणाहेड़ा का लेक, देखिए दोस्तों पाणाहेड़ा का लेक 1060 ईस्वी में कौन से ज़िले में मिला ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए राइट आंसर। सर 1059 ईस्वी में मिला क्या पाणाहेड़ा का, हाँ जी, तो ये प्रतापगढ़ में मिला दोस्तों, नहीं सर, तो सर बांसवाड़ा में मिला है, चलिए बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये पाणाहेड़ा है क्या, वहाँ का एक गांव है, उस गांव में जब ये लेक मिला ना हमें तब हम कहते हैं पाणाहेड़ा का ही लेक, ओके। तो यहाँ पे मालवा और वागड़ के परमारों की जानकारी मिलती है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू भी है। राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है बताओ, मेलों हेतु लाइसेंस फीस बिल्कुल सही बात है, पेयजल कर बिल्कुल सही बात है, कृषि उपज मार्केट पर 0.5% सर चार्ज बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से गलत तो विकल्प कौन सा है, मतलब कि एक साइड में यहाँ पे ये अपनी चोटियाँ हैं, चोटियाँ मतलब पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटियाँ हैं, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, देखते हैं कौन बताते हैं, जल्दी बताइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और जल्दी से जवाब भी बनेगा। कुंभलगढ़ की बात करें 1224 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। लीलागढ़ पर्वत चोटी की बात करें 874 मीटर है, बिल्कुल सही है। नागफनी की बात करें 867 मीटर है, बिल्कुल सही है। कमलनाथ की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ जो है ना ये मेवाड़ क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर राजसमंद में है। देखो कमलनाथ की जो पहाड़ी है ना ये 900 मीटर नहीं है, ये 1000 मीटर है, 1001 मीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। तो अब आप समझ गए होंगे, कुंभलगढ़ 1224, लीलागढ़ 874, नागफनी 867 और कमलनाथ की पहाड़ी 900 मीटर नहीं बल्कि 1001, तो असंगत कौन सा है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 11 सिंधिया सिक्का जो है ना किस रियासत में प्रचलित था। क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा आनंद आएगा आपको। 11 सिंधिया सिक्का जो है ना किस रियासत में प्रचलित है या था, सॉरी, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, शाहपुरा रियासत में प्रचलित था। 1760 में चलाया गया था शाहपुरा के शासकों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इसी शाहपुरा में मेवाड़ी और भीलाड़ी सिक्के भी चलते थे यहाँ पे, चित्तौड़ी वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है। आसान सा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना राजस्थान में सबसे लंबा है, तो NH 11 है, ठीक है, जो हरियाणा और राजस्थान दोनों में चलता है, और राजस्थान में 760 किलोमीटर, मतलब आप इसको 760 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जैसलमेर के म्याजलार से निकलता है, फिर अपने मतलब बीकानेर, चुरूर, सीकर, झुंझुनू, फिर झुंझुनू से ये प्रवेश कर लेता है हरियाणा में, ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लो साहब, निम्न में से असुमेलित क्या है। आनंद ऐसे प्रश्नों में आना चाहिए, निम्न में से असुमेलित क्या है। नाचना गणेश जी का मंदिर अलवर में है क्या, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में है क्या, इश्किया गणेश जी का मंदिर जोधपुर में है क्या, खड़े गणेश जी का मंदिर राजसमंद में है।
तीनों के तीनों सही है। इश्किया गणेश जी जोधपुर, देखो नाचना, देखिए नाचने वाले गणेश जी कहाँ पे हैं, नाचने वाले गणेश जी अलवर में हैं, तो याद रखेंगे अलवर में गणेश जी नाचते हैं। तीन आँखों वाले गणेश जी रणथंभौर में हैं, सवाई माधोपुर में। इश्किया, इश्क करने वाले गणेश जी जोधपुर में है, याद रखना जोधपुर जो है ये इश्क करने वाला है, ऐसे याद रखोगे। और खड़े जो गणेश जी रहते हैं वो खड़े रहते हैं कोटा में, कोटा में गणेश जी खड़े रहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे असुमिले डी हो जाएगा। कुंदन कुंवरी कौन थी प्यारे साथियों, ये आपको बताना, मोटे राजा राव उदय सिंह की बहन थी या मारावल सावन सिंह की माता थी? बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मारावल सालिम सिंह की रानी थी, या फिर ब और स दोनों, देखो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब मारावत सावन सिंह की माता थी और मारावत सालिम सिंह की रानी थी, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ के थे, ये प्रतापगढ़ के थे, तो आप समझ ही पा रहे होंगे। देवलिया में इन्होंने मंदिर और बावड़ियाँ भी बनाई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर, राज प्रशस्ति से संबंधित गलत क्या है, राज प्रशस्ति के संबंध में गलत जो है ना वो क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों लास्ट के 71 से लेकर 80 क्वेश्चन तक, लास्ट के 10 क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब होने वाले हैं। राज प्रशस्ति से संबंध में जो गलत है ना वो अपना कुल श्लोक 1126 बिल्कुल गलत है। यही स्थापना 1676 में हुई थी, राज सिंह के द्वारा हुई थी, रचिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, गलत गलत है साहब, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कुल जो श्लोक है ना वो 1106 श्लोक है, कितने 1106 श्लोक हैं। राजसमंद की 9 चौकीपाल पर 25 काली शिलाओं पर ये उत्कीर्ण हुआ, और ये आप सभी को पता ही होना चाहिए। और चारुमती और जो किशनगढ़ की जो चारुमती थी ना उसका, और औरंगजेब के जो संबंधों का वर्णन भी यहाँ पर है, ठीक है, मतलब राज सिंह का औरंगजेब के साथ क्या कैसे संबंध रहा वो भी वर्णन है, और चारुमती का विवाह किसके साथ, राज सिंह के साथ कैसे हुआ वो भी वर्णन इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस हवेली को नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है, कौन सी हवेली को नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है, तो पंसारी की हवेली, बागौर की हवेली, पुष्य हवेली या मथुरा वालों की हवेली? तो प्यारे साथियों देखिए, बागौर की हवेली कहाँ पर है, बोले सर बागौर की हवेली उदयपुर में, और पंसारी की हवेली सर ये झुंझुनू में है, और पुष्य हवेली सर ये अपने जोधपुर में है, ठीक है सर, और मथुरा वालों की हवेली ये जयपुर में है। प्यारे साथियों नक्कारों की हवेली भी बोलते हैं मथुरा वालों की हवेली को, मथुरा वालों की हवेली को क्या बोला जाता है, नक्कारों की हवेली भी बोला जाता है, जो कि जयपुर में है। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए भैया, जल्दी बताओ, देखते हैं। मैंने बताया ना आपको, जैसा कि नए क्वेश्चन आएंगे अब आपके, बहुत ही शानदार मजा आएगा आपको। तालचापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोगों ने, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर सही है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य हनुमानगढ़ गलत है, बंद बेहटा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर सही है। तो गजनेर अभयारण्य ये अपने बीकानेर में स्थित है, गजनेर अभयारण्य हनुमानगढ़ में नहीं है, है ना, यही बात है ना, हाँ सर यही बात है। चले तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। कभी टिक जो है ना मैं गलत लगा दिया करता हूँ, मतलब गलती से ही लगता है, तो ध्यान रखना। और मॉर्निंग में मैंने आपको जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसका मैंने भी कांड कर लिया, मतलब गलत बता दिया, तो 13 अप्रैल 1919 है वो कांड है ना जो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 मैंने बता दिया आपको, 19 अप्रैल 1913 ऐसे बता दिया था मैंने, जबकि वो गलत एक कमेंट भी आया था, तो बिल्कुल है जो सही आपका कर दिया है। अब ध्यान रखेंगे, कवि श्यामल दास को मिली उपाधियों में से, श्यामल दास है यहाँ पे, ठीक है, श्यामल दास को मिली उपाधियों में से संबंधित गलत क्या है, केसर हिंद की उपाधि इनको कर्नल एमपी ने दी थी, बिल्कुल सही बात है ये, और कविराज की उपाधि इनको महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी, बिल्कुल सही बात है, महामहोपाध्याय की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार ने दी थी, तो ये भी सही है, इसका मतलब गलत कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं गलत, इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी के सभी सही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और काफ़ी के लिए पढ़ा हुआ होगा, लेकिन काफ़ी भाई बहनों के लिए नया क्वेश्चन होगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है ना वो कौन है, तो ये थे अमर सिंह राठौड़ थे, ठीक है, और ये श्रीमती शारदा भार्गव जो है ये पहली महिला सांसद थी,
और कालूराम श्रीमाली जो है ये पहले कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। कठपुतली नृत्य किस जनजाति का है दोस्तों, देखिए बताइए जल्दी से, कठपुतली नृत्य जो है ना किस जनजाति का है, नट जाति का या सांसी जाति या कंजर जाति या डामोर जाति? तो राइट आंसर सांसी जाति हो जाएगा, नहीं नट जाति हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है ना। मतलब कहा जाता है कि इसमें डोरिये का गुस्सा जो होता है ना वो माथे पे थाम के ये जो नृत्य का संचालन किया जाता है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ कब किया गया? अगर कोई भाई बहन पहली बार है ना राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, है ना, क्योंकि आनंद आपको इस क्लास से मेरे ख्याल से बहुत दोगुना आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल भी काफ़ी इस बार काफ़ी हद तक अच्छे आ रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 2015 राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ 2015 में हुआ था, ठीक है। और कुछ नहीं सर, तो फिर है जो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलवर की पर्वत छोटी नहीं है, इनमें से कौन सी जो पर्वत छोटी है वो अलवर की नहीं है? देखो बैरास की पहाड़ी जो है ना ये अलवर में है, और पहानगढ़ पहाड़ी ये भी अलवर में है, सिरावास की पहाड़ी ये भी अलवर में। तो गोरम जी और मायर जी जो पहाड़ी है ना ये अजमेर में है दोस्तों, कहाँ पे? अजमेर में। हालांकि यहाँ पे आपको नया कुछ और भी देखने को मिल रहा है कि बैरास की पहाड़ी 792 मीटर है, भानगढ़ की पहाड़ी 649 मीटर है, और सिरावास की पहाड़ी 651 मीटर है, और गोरम जी और मायर जी की पहाड़ी जो है 933 मीटर है। और जैसे अलवर में और भी काफ़ी पहाड़ियाँ जैसे बिलाली है, सरिस्का है, और भी तो है ना पहाड़ियाँ। तो अवंतगढ़, अंतगढ़ और हनुमंतगढ़ इत्यादि नाम किसके उपनाम है, मतलब कौन से किले के उपनाम है ये आपको बताना है। अवंतगढ़, अंतगढ़, हनुमंतगढ़ और बस तीन नाम है और तो कौन सा क्या, हाँ आप इसको उदित दुर्ग भी बोल सकते हैं, उदित दुर्ग, ठीक है। तो बिल्कुल नाम तो आपका आ ही गया, ऊंटगिरी का किला हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसी किले के अंदर मियाँ बाड़ा भी है दोस्तों, कहा जाता है कि चंद्रसेन और अकबर इसमें मिले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान में बौद्ध धर्म के अनुयायी कहाँ पर है सर्वाधिक, ये बताना है आप लोगों को, जल्दी बताइए राजस्थान में बौद्ध धर्म के अनुयायी कहाँ पर है पाए जाते हैं, या फिर सर्वाधिक है, खैर पाए जाते हैं उचित नहीं होगा, तो जयपुर और अजमेर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इनमें से असंगत युग्म कौन सा है, मतलब कि रियासत पूछा है और सिक्कों के नाम पूछे आप लोगों को, उम्मीद करूंगा आप सभी इसका जवाब देंगे, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। देखो यहाँ पे प्रतापगढ़ में सालिमशाही सिक्के चले थे, बिल्कुल सही बात है, शाहपुरा में माधोशाही, और सलूमबर में पदमशाही, जैसलमेर में विजय शाही नहीं चले, जैसलमेर में अखे शाही चले थे, अखे शाही। तो यहाँ पे राइट आंसर असंगत जो है ना वो है डी ऑप्शन अपना। तो प्यारे साथियों अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करूँगा आप सभी लोग ज़रूर आंसर देंगे, और मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ ना वो आपका रहने वाला है ये क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला, निम्न में से घन वाद्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो वाद्य है वो घन वाद्य नहीं है, कमर, डेरू, करताल, झालर, झांझ, चिमटा, घुंघरू, रमझोल। इतना आसान क्वेश्चन है, घनवाद्य वो होते जिसको बजाने के लिए छोट दी जाती है, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब देंगे मुझे पता है, और आप लोग अगर पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैंने आपको कल भी क्लास में बता दिया कि अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, बिजी, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम जो लगी हुई है वो जवाब देगी, अगर उचित आपका मतलब आपकी जो इंक्वायरी से रिलेटेड होगा तो ज़रूर। और बाकी जो है आप सभी अपने चैनल के साथ बने रहें, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।